आज हम लोग आइडेंटिटी, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज और जो वैल्यूज हैं, रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एंड ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये दोनों पार्ट आज कंप्लीट करेंगे। सारे आइडेंटिटीज, सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, और फिर हम आगे एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में जो सबसे वैल्यूज पहले है उसको देख लेते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री, ये सब तो वैसे आप पहले से भी, ये आपको पता है, पहले से भी कर चुके हैं। ठीक है, जो वैल्यूज है वो पहले से आपको पता है क्या होता है, 90 तक। तो 90, ये 0, 30, 45 लिखा है ना, इसको इरेज इरेज कर दो, इसको लिखो 0 π/6, π/4, π/3, ये 30, 45, 60 है। ठीक है, आप चाहो तो अभी के लिए समझ में आने के लिए आप साथ में लिख सकते हो 30, 45, 60। π/2, π, 3π/2, 2π। वैल्यू इसकी क्या हो गया, 0 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, π/4 मतलब 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, एंड 2π मतलब फिर से ये 0 बन गया, 2π मतलब 360 डिग्री। ठीक है, इतने वैल्यूज हम देखेंगे। π/6 मीन्स 30 डिग्री। हाँ, साइन साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 डिग्री 3/√2, साइन π/2 1। और यहाँ से क्या होता है, फिर रिपीट होगा, फिर ये हो जाएगा साइन पाई जो होती है, होता है वो 0 होता है, साइन 3π/2 -1, और साइन 2π, साइन 2π 0। इतने वैल्यूज हमने याद रखे, ठीक है। कॉस कॉस 0 1, उल्टा यहाँ से √3/2, 1/√2, 1/2, और कॉस 90 की वैल्यू 0, कॉस 90 की वैल्यू 0, और कॉस पाई की वैल्यू -1, कॉस 3π/2 की वैल्यू 0। देखो, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हमेशा 0 होगा, कॉस का ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 का मतलब π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, इस तरीके से, मतलब 90 डिग्री के मल्टीपल्स में, ऑड मल्टीपल की बात कर रहा हूं, वहां पर कोसाइन की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो 90 डिग्री, 270 डिग्री, ठीक है, और फिर 3π/2, 5π/2 मतलब 450 डिग्री, इस तरीके से इन सब जगहों पर उनकी वैल्यू 0 होगी। कॉस 2π की वैल्यू 1 होता है। टेन टेन 0 1/√3, 1√3, 1/0 क्या होता है, नोट डिफाइंड, एन डी लिख लो, पाई, 10π, 10π की वैल्यू 0, 3π/2, नोट डिफाइंड, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 में नोट डिफाइन होता है, ध्यान रखना, और 10 2π भी 0। साइन कॉस 10 की वैल्यू एनफ है, बाकी की वैल्यू आज रेसिप्रोकल लेकर के निकाल सकते हो, तो उसको याद करने की जरूरत नहीं। ठीक है सर, बोलो सर, इसके अलावा हमें किसी भी एंगल की याद करनी है? नहीं, याद नहीं करनी, निकालने का तरीका सिखा दूंगा, सब आ जाएगा। अगर आप यहाँ तक, जो 10 तक आपने याद किया है ना, वहां तक भी पता है, तब भी याद करने की जरूरत नहीं, उसका तरीका सिखा दूंगा।
ठीक है सर, तब भी याद करने की जरूरत नहीं है, आसानी से हम कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। जो कार्टेशियन प्लेन है एक्स वाई प्लेन, जब हम एक्स वाई प्लेन की बात करते हैं इसका मतलब हम टू डायमेंशनल प्लेन की बात कर रहे हैं। टू डायमेंशनल मतलब लेंथ और ब्रेथ, एक्स और वाई, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, इसकी बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, और इसमें जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट होता है वो प्लस प्लस सिस्टम होता है, पॉजिटिव दोनों, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, और इसमें जो होता है वो माइनस प्लस होता है, और इसमें साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, साइन एंड कोसेक। यहां पर आपका दोनों नेगेटिव होता है, और यहां टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, टेन एंड कॉट पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस कॉमा माइनस, ये कार्टेशियन सिस्टम का साइन होता है, और यहां पर आपका कॉस एंड सेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, कॉस सेक पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर साइन कोसेक पॉजिटिव, यहाँ पे टेन कॉट पॉजिटिव, और यहाँ पर कॉस सेक पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव, ये कार्टेशियन सिस्टम। नाउ इसको याद रखने के लिए एक स्लैंग हम यूज कर लेते हैं, एड शुगर टू कॉफी, या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहां से ए ले लो, यहां से एस ले लो, यहां से पी ले लो, और इधर से सी ले लो। ए मीन्स ऑल पॉजिटिव, एस मीन्स साइन कोसेक, टेन कॉट और कॉस सेक, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट में थीटा की जो वैल्यू होती है, क्वाड्रेंट में एक्स ले लो, एंगल एक्स ले लो, तो ये जीरो डिग्री लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू पाई बाय टू, जीरो रेडियन लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू पाई बाय टू, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए हमें सोचने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, साइन के विषय में सोचना ही नहीं, साइन पाई बाय टू माइनस थीटा, कॉस थीटा, कॉस पाई बाय टू माइनस थीटा, पाई बाय टू मतलब क्या हो, 90 डिग्री, कॉस पाई बाय टू माइनस थीटा साइन थीटा, टेन पाई बाय टू माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में देखेंगे अभी हम, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में जो वैल्यूज होती हैं वो पाई बाय टू से लेकर के आ तक पाई तक, ठीक है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। और यहां पर साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो इस तरह से लिखेंगे हम, साइन पाई बाय टू प्लस एक्स, एक चीज ध्यान रखना है, पाई बाय टू के मल्टीपल्स में साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, जैसा कि आप टेंथ में कर चुके हैं, कॉस साइन में होता है, टेन कॉट में होता है, लेकिन पाई के मल्टीपल्स में लेंगे, मतलब पाई के साथ हम लेंगे, पाई प्लस एक्स या पाई माइनस एक्स या टू पाई प्लस एक्स और टू पाई माइनस एक्स, तो साइन साइन आएगा,
हाँ साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। साइन पाई बाय टू प्लस एक्स, साइन लिया, साइन के साथ पॉजिटिव आता है तो इधर हम पॉजिटिव लिखेंगे, देखेंगे साइन लेफ्ट हैंड साइड से और साइन कंसिडर करेंगे राइट हैंड साइड। साइन साइन एक्स, साइन पाई बाय टू प्लस एक्स कॉस एक्स, पाई बाय टू के मल्टीपल में साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉस साइन में और टेन कॉट में, पाई और टू पाई के मल्टीपल में, पाई और टू पाई के साथ मल्टीपल नहीं, मतलब पाई और टू पाई के साथ जो एंगल लेंगे हम प्लस या माइनस में तो उसमें चेंजेज नहीं है, साइन साइन रहेगा, कोसाइन कोसाइन रहेगा, टेन टेन रहेगा, ठीक है। कॉस पाई अपॉन टू प्लस एक्स will be negative sin x, ठीक है, tan pi by 2 plus x will be negative. Sir, this is a formula. Yes, these are identities that you need to learn. Okay. Okay, sir. Tan pi by 2 plus x negative cot x. Wait a minute, sir. Wait. Sir. Hmm. बोल सकते हैं, हम यूज करेंगे रोमन में अधिक, ठीक है, वी शैल रेयरली रेयरली यूज, इसलिए जानबूझ करके मैं यूज कर रहा हूँ कि आदत पड़ जाएगी, फॉर्मूला जब इसको देखोगे लर्न करोगे तो इससे आदत पड़ जाएगी आपको रोमन में करने, क्योंकि मैम मोस्ट ऑफ द टाइम आपको रोमन में मिलेगा, ठीक है। तो 10 टू पाई बाय 2 प्लस x माइनस कॉट x, इसका रेसिप्रोकल नहीं ले रहे, मतलब कोसेक पाई बाय 2 प्लस x क्या होगा, सेक x होगा, आप चाहो तो लिख भी सकते हो, सेक पाई बाय 2 प्लस x माइनस कोसेक x और कॉट पाई बाय 2 प्लस x माइनस 10 x, रेसिप्रोकल वाले हो जाएंगे सर, ठीक है। इधर आपका सेकंड क्वाड्रेंट में हम लिख सकते हैं पाई माइनस x भी ले सकते हैं, ठीक है, पाई माइनस x, पाई माइनस एक्स के साथ ले लो साइन, पाई माइनस एक्स क्या होगा, साइन एक्स होगा, कैसे हुआ साइन एक्स, साइन लिया हमने, सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इधर साइन लिया तो इधर भी हमें साइन एक्स पॉजिटिव मिलेगा, कॉस पाई माइनस एक्स क्या होगा, एनीवन क्या होगा, क्या लिखूंगा बताओ, जल्दी बताओ, जैसे हमने पाई बाय टू प्लस एक्स वाले में कॉस को पॉजिटिव लिया, बाकी दोनों को लिया, लेकिन साइन और कॉस का होता है पॉजिटिव, इधर लेफ्ट हैंड साइड का देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिया उसको देखेंगे, ठीक है, ठीक है सर, बता देता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड में जो लिया हमने उसके अकॉर्डिंग साइन चेंज करेंगे, ठीक है, यहाँ पर भी उसी के अकॉर्डिंग हुआ है, साइन लिया हमने लेफ्ट हैंड साइड में तो फिर राइट हैंड साइड में साइन जो है वो साइन एक्स का साइन पॉजिटिव हो, ठीक है, इस तरीके से। नाउ लेकिन सर आपने वो राइट हैंड साइड में साइन के अंदर माइनस क्यों नहीं लगाया, वही बता रहा था कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, यहाँ पर हमने साइन लिया हुआ है तो इधर जो है जो भी आएगा उसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट, इसको वैसे भी लर्न करने की बात अधिक है, समझना कम है, फिर से समझाता हूँ, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव है तो ये साइन और कोसेक जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में हम कंसिडर करेंगे, राइट हैंड साइड वाले के लिए कंसिडर नहीं कर रहे, यहाँ पर हमने साइन लिया तो इधर साइन पॉजिटिव लेंगे, यहाँ पर हमने कॉस लिया जो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो यहाँ पर नेगेटिव लिख लिया, नेगेटिव कॉस है, इधर की बात यहाँ पर जो लेंगे उसके अकॉर्डिंग कंसिडर करेंगे, बिकॉज वी आर टेकिंग एंगल ओवर हियर ओनली और उसकी वैल्यू लिख रहे हैं उसी पर, ठीक है, ओके सर, अब अंडरस्टैंड, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में आप लिख सकते हो पाई प्लस एक्स, ठीक है, और इसको 180 प्लस एक्स, डिग्री में आप 180 प्लस एक्स कहते हो, ठीक है, तो इधर वी कैन टेक
साइन पाई प्लस एक्स दैट विल बी नेगेटिव साइन एक्स, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें साइन पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव होगा. कॉस पाई प्लस एक्स माइनस कॉस एक्स टेन पाई प्लस एक्स प्लस प्लस टेन एक्स. यस ओके. कॉट के साथ भी पॉजिटिव कॉट एक्स होगा, बाकी सब में नेगेटिव देगा. ठीक है. इवन इन थर्ड क्वाड्रेंट वी हैव 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स विल बी इन थर्ड क्वाड्रेंट. तो साइन 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स विल बी माइनस कॉस एक्स. साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, बता चुका हूं, पाई बाय 2 के मल्टीपल में लेंगे अगर, तो साइन कोसाइन में, कॉस साइन में और टेन कोटेंजेंट में कन्वर्ट होगा, चेंज होगा. कॉस थ्री पाई बाय टू माइनस एक्स माइनस साइन एक्स एंड टेन थ्री पाई बाय टू माइनस एक्स इक्वल्स टू कॉट एक्स. सर जैसे हम चेंज कर रहे हैं, चेंज कब करते हैं हम? बता चुका हूँ, पाई बाय टू के मल्टीपल में अगर एंगल लेंगे, पाई बाय टू के मल्टीपल में, जैसे पाई बाय टू लिया था, पाई बाय टू माइनस एक्स या पाई बाय टू प्लस एक्स, और फिर से थ्री पाई बाय टू माइनस एक्स ले रहे, थ्री पाई बाय टू माइनस एक्स या थ्री पाई बाय टू प्लस एक्स लेंगे, तो साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में और टेन कॉट में चेंज होगा. ठीक है. अच्छा सर. और फिर अब आगे आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया. नाउ कमिंग टू फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल होते हैं वो आपका थ्री पाई बाय टू से टू पाई के बीच में होते हैं. तो इसको लिखेंगे हम साइन 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स, 3 पाई बाय 2 से बड़ा एंड 2 पाई से छोटा, तो 3 पाई बाय 2 अगर लेंगे तो प्लस लिखेंगे, प्लस एक्स. साइन 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स. यस एंड कॉस 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स बता दो मेरे को, तब समझूंगा कि हाँ समझ आ रहा है. मुस्कान आप बताइए, कॉस 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स नहीं पड़ी आवाज, बोलो. कॉस थ्री पाई बाय टू प्लस एक्स, कॉस माइनस साइन एक्स, माइनस नहीं होगा, साइन एक्स होगा, बिकॉज वी आर टेकिंग इन टू फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस लिया है हमने, कॉस और सेक पॉजिट के साथ जो एंगल आता है वो पॉजिटिव आता है. ठीक है. टेन थ्री पाई बाय टू प्लस एक्स विल बी माइनस कॉट एक्स. नाउ कमिंग टू टू पाई माइनस एक्स, और ये टू पाई माइनस एक्स को सिंपली वी कैन राइट माइनस एक्स. ओके, माइनस एक्स लिख सकते हैं. क्यों लिख सकते हैं माइनस एक्स? बिकॉज टू पाई मतलब क्या बताया था, कि जहां से आपने चलना शुरू किया सर्कल में वहीं पर पहुंच गए तो जीरो बन जाता है. टू पाए आने के बाद जीरो बन जाता है. आपने यहाँ से शुरू किया, यहीं पहुंच गए, ये जीरो डिग्री से शुरू किया, घूमते हुए टू पाए तक पहुंच गए, तो ये अगेन जीरो बन जाता है. ठीक है. तो टू पाए मतलब जीरो डिग्री. तो यहाँ से साइन टू पाए माइनस एक्स इक्वल्स टू साइन माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स equals to minus sin x, cos 2 pi minus x equals to cos minus x equals to cos x, then 2 pi minus x equals to 10 minus x equals to
माइनस टेन एक्स एंड सो ऑन. इसके रेसिप्रोकल्स भी इसी तरीके से होंगे. ठीक है, इसके रेसिप्रोकल्स भी इसी तरीके से होंगे. अब जो है इसके बाद जो बारी आती है, जो टर्न आता है, दैट इज फॉर आइडेंटिटीज. तो आइडेंटिटीज बहुत सारे हैं. 3.2 एक्सरसाइज कर लेते हैं, फिर आइडेंटिटी करें या आइडेंटिटी कर लें. So now we shall do exercise 3.2. Exercise 3.2. Yes. Question number 1. Question hai, find the values of other 5 trigonometric functions in exercises 1 to 5. ठीक है, तो यहाँ पर अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की बात हो रही है. क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं. cos x की वैल्यू -1/2 और दिया हुआ है x lies in थर्ड क्वाड्रेंट. x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है. ठीक है, x lies in थर्ड क्वाड्रेंट 180 to 270 के बीच में. ठीक है, 5 + x या 3π/2 - x दोनों अप्लीकेबल हो सकते. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, cos x दिया हुआ है, आपको निकालने क्या है, क्या क्या निकालना है, टू फाइंड sin x निकालना है. ठीक है, cosec x निकालना है, एक एक्स निकालना है, और क्या निकालना है, टेन एक्स निकालना है, cos x निकालना है. cos x को छोड़ करके बाकी सारे निकालने हैं. टेंथ में भी इस टाइप के क्वेश्चन आप कर चुके हैं. ठीक है, तो ये बहुत आसान है. cos x आपको दिया हुआ है, पहले sin x के लिए ट्राई करते हैं. तो sin स्क्वायर x की आइडेंटिटी क्या होता है वेदांत, बोलो. साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 - cos² x, यही होता है. यस सर. हाँ सर. तो साइन एक्स को क्या लिखेंगे, √1 - cos² x. ये √1 - cos x की वैल्यू कितना है, -1/2 सर. व्हाट वी हैव टू फाइंड सर, एक्सक्यूज मी सर. यस सर, व्हाट वी हैव टू फाइंड, साइन एक्स कॉस एक्स. क्या कह रहे हो, व्हाट वी हैव टू फाइंड, यू हैव टू, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन एक्स कॉसेक एक्स सेक एक्स टेन एक्स एंड कॉट एक्स. दीज आर द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हुज वैल्यूज हैव टू बी फाउंड आउट. यहां पे लिखा हुआ है टू फाइंड, इसका मतलब इसी की वैल्यू फाइंड करना है. √3/4 आ रहा है. तो इसको लिख लेते हैं, ये हो गया आपका √1 - 1/4 विच कम्स टू √3/4 विच कम्स टू √3/2 प्लस माइनस √3/2. यहाँ ध्यान रखना है +√3/2 थर्ड क्वाड्रेंट में. साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा वेदांत. कोई बैकग्राउंड में मंत्र पढ़ रहा है, मंत्र पढ़ना बंद करिए और बताइए मेरे को कि ये नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में. थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा ना साइन. थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, तो ये नेगेटिव √3/2. यहाँ -√3/2 होगा, राइट, -√3/2. नाउ cos x बता, बोलो बच्चे. cosec x इसके उल्टा हो जाएगा ना. हाँ, cosec x रेसिप्रोकल हो जाएगा. cosec x equals to -2/√3. -2/√3.
सर आप म्यूटेड। अच्छा म्यूट हो गया था मैं। cosec x, cos x निकाला हुआ है, sec x निकाल लो सर, माइनस टू आ रहा है, sec x माइनस टू हो जाए, बिल्कुल करेक्ट। tan x, tan x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, sin x अपॉन साइन एक्स बाई कॉस एक्स कर लोगे, दिस इज साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। सर रोचरी आ रहे हैं, cos x ले लो, cos x क्या था माइनस वन बाय टू, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में है इसलिए पॉजिटिव होगा, tan x पॉजिटिव होगा, दैट इज करेक्ट। cot x वन बाय रूट थ्री, वन बाय ठीक है, और कुछ रह गया नहीं, sin x cosec x sec x tan x cot x निकल गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन ये आप लोग होमवर्क में करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन में बता रहा हूँ, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है, फोर्थ फिफ्थ बता रहा हूँ, फोर्थ करना है आप लोगों को खुद से अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फाइव, टेन एक्स इक्वल्स टू नेगेटिव फाइव अपॉन ट्वेल्व, एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, x lies in second quadrant. कहां से शुरू करोगे? देखो सबसे पहले शुरू करो कहां से, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल्स टू वन, सो फ्रॉम हेयर वी हैव sec स्क्वायर x इक्वल्स टू वन प्लस tan स्क्वायर x, sec स्क्वायर x इक्वल्स टू वन प्लस माइनस फाइव अपॉन ट्वेल्व होल स्क्वायर। बोलो बच्चे, सर ये sec स्क्वायर कहां से आ रहा है? सर तो सिर्फ sec होना चाहिए ना, किस तरीके से sec होना चाहिए माय डियर? ये हो गया यहां से वन प्लस ट्वेंटी फाइव अपॉन वन फोर्टी फोर, दैट कम्स टू वन सिक्सटी नाइन अपॉन 144, sec x क्या हो जाएगा? sec x हो जाएगा रूट ओवर 169 अपॉन 144, which comes to 13 minus 13 by 12। हाँ, तो आप देखना है यहाँ पर माइनस या प्लस नहीं लिखना है, पहले देखना है कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस है तो नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव 13 अपॉन 12 लिखेंगे, ठीक है। cos x, cos x reciprocal होता है तो माइनस ट्वेल्व अपॉन थर्टीन, टेन एक्स, टेन एक्स क्या हो जाएगा, टेन एक्स दिया हुआ है, सॉरी टेन एक्स दिया हुआ है, cot x निकाल लो, cot हो जाएगा माइनस ट्वेल्व परसेंट, cot x हो जाएगा आपका माइनस ट्वेल्व अपॉन फाइव, माइनस ट्वेल्व अपॉन फाइव। साइन x नहीं निकाला आपने, तो साइन x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन एक्स इक्वल टू रूट ओवर वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर स्क्वायर और सेट वो रूट है माइनस, हाँ साइन स्क्वायर एक्स रहेगा तो ये रूट नहीं रहेगा, हमने सिर्फ साइन एक्स लिया इसलिए रूट ले लिया, है ना। तो वन माइनस वन फोर्टी फोर अपॉन वन सिक्सटी नाइन which comes to 25 upon 25 root over minus and this by will 13. be 5 by 13। अब ये positive या negative, कौन से quadrant में था, second quadrant में, positive sign positive, positive होता है तो positive रहेगा, cosec x 13 upon 13 by 5, ठीक है। अब इस question को दूसरे तरीके से भी सिखाता हूँ, ध्यान से समझिए, ठीक है।
क्वेश्चन क्या था हमारा? इसी क्वेश्चन नहीं, जितने भी अभी तक के हैं, वन से लेकर के फाइव, ये सब दूसरे तरीके से कर सकते हैं आप, इसको समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर फाइव को सेकंड मेथड से कर रहे हैं। आपका है 10x = -5/12 एक्स लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में तो सबसे पहले क्या करो, सेकेंड क्वाड्रेंट यहाँ पे हुआ बच्चे, यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट हुआ, ठीक है। टेन एक्स क्या होता है? टेन थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है। तो परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो इस पर, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक है। ये परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना? -5/12। अब क्वेश्चन ये आता है कि -5 कौन सा, माइनस नेगेटिव कौन सा, पॉजिटिव कौन सा, ठीक है। तो ये आपका इधर क्या होता है, y एक्सिस की तरफ पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव है, ठीक है। तो ये जो है आपका ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है तो 5 ले लिया और ये -12 ले लिया, ठीक है। यहाँ पर -12 ले लिया। अच्छा सर, ट्रायंगल से करना है सॉल्व? दूसरे मेथड से सिखा रहा हूँ, हाँ ट्रायंगल से करो, ठीक है। ट्रायंगल से कर चुके हैं आप पहले 10, ठीक है। तो शायद आसानी से समझ में आएगा, बट आई अवॉइड टू डू दिस, मतलब ट्रायंगल के थ्रू मैं बहुत अवॉइड करता हूँ, आइडेंटिटी के थ्रू करना प्रीफर करूंगा, बताना प्रीफर करूंगा आप लोगों को। क्यों, इसका रीजन बता रहा हूँ अभी थोड़ी देर में कि क्यों मैं अवॉइड करने के लिए कहता हूँ। तो ये 5/-12 हो गया, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपका एंगल कितना है, 10x, x है 10x, तो इसको x ले लो। वैसे तो x यहाँ से ऐसे हुआ, ठीक है ना, एक्चुअल में एंगल क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक हुआ, ठीक है। बट पाई माइनस एक्स आप लेते हैं, यही ले लो, ये x एंगल हो गया, ठीक है। दिस इज x, साइन x क्या होगा, साइन x क्या होता है, पी अपॉन एच। तो परपेंडिकुलर क्या है, 5 है और हाइपोटेन्यूस कितना है, 13। कोसेक एक्स एच अपॉन पी, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 13/5। साइन का यहां पर भी ध्यान रखना, वैसे तो साइन अपने आप आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, फिर भी साइन का ध्यान रखना। कोसेक्स, कोसेक्स, कोसेक्स क्या होता है, बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है आपका, -12 है, है ना, बेस आपका -12 है, तो -12/13 आ गया, -12/13 एच अपॉन बी, -13/12 अपने आप वैल्यू जा रहे, 10x दिया हुआ है, cot x। एक मिनट सर, एक डाउट था सर, इसमें सर sec x में डाउट था सर, लास्ट वाले में सर, इसमें -12 होना चाहिए ना सर, -13 क्यों हुआ? sec x रेसिप्रोकल होता है cos x का, h अपॉन b होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस 13 है और बेस कितना है, -12 है। वैसे भी cos x का रेसिप्रोकल होता है, cos x -12/13 है, तो sec x क्या होगा, 13/-12 होगा,
नहीं? ओके सर, ओके ओके सर, आया समझ में? यस सर। ठीक।